बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नाइन्थ केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज। इससे पहले जो है हमने एटम के बारे में पढ़ा था, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी और प्लम पडिंग थ्योरी पढ़ी थी। उसमें हमने एटम में देखा था कि एटम के तीन बुनियादी पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल जो उसके हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हमने कहा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की पढ़। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। देखते हैं जी, आपकी जो बुक की पेज नंबर 28 पे ये टॉपिक दिया गया है, इन 1879 सर विलियम क्रूक्स। क्या नाम था ये साइंटिस्ट का? सर विलियम क्रूक्स। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली ये ब्रिटिश केमिस्ट थे। क्या था जी? ब्रिटिश केमिस्ट भी थे और फिजिक्स भी थे, यानी फिजिक्स के साइंसदान भी थे। ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने बकायदा डिस्चार्ज ट्यूब पे काम किया। इन्होंने बताया कि एक ग्लास ट्यूब, शीशे की एक ग्लास ट्यूब लेके उसके अंदर उसका प्रेशर कम रख के उसके अंदर से इन्होंने हाई वोल्टेज करंट गुजारा। जब हाई वोल्टेज करंट गुजारा तो कुछ रेज पैदा हुई, कुछ शाइनी रेज पैदा हुई। उन रेज को इसने कैथोड रेज का नाम दिया। डिटेल क्या है देखते हैं हम जी। इन्होंने इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली ये इस शेप की होती है जी, शीशे की बनी हुई थी। ये एक ग्लास, शीशे की बनी ग्लास ट्यूब ले ली। इसके यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। कौन सा पंप जी? वैक्यूम पंप। इसका फंक्शन क्या है जी? वैक्यूम पंप का ये फंक्शन होता है कि इसके अंदर मौजूद गैस को बाहर निकाल देती है, सक कर लेती है, खींच लेती है। जिसकी मिसाल जैसे बच्चे कुछ छोटी मिनरल वाटर वाली बोतल खा ली हो तो बच्चे उसको मुंह पे लगा के उसको खींचते हैं तो वो पिचक जाती है। इसका मतलब उसके अंदर से एयर जो है वो निकाल ली। बिल्कुल इसी तरह एक वैक्यूम पंप होता है, वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो ऑलरेडी गैस मौजूद है या हवा मौजूद है उसको बाहर निकाल देती है। उसके बाद उसने क्या किया जी, यहाँ इस ये जो ग्लास ट्यूब थी जो शीशे की बनी हुई है, जिसको उसने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया, इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। इसके अंदर क्या लगाया जी? दो इलेक्ट्रोड्स लगाए और इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। ये देखें, ये दरमियान में कोई हाई वोल्टेज, हमारे पास ज़्यादा करंट वाली कोई बैटरी है, उसके साथ उसने जोड़ दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जो नेगेटिव था उसने उसको नाम दे दिया कैथोड का। किसका नाम दे दिया जी? कैथोड। ये वाला टर्मिनल हमारा क्या कहलाएगा? कैथोड। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यानी जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ी, उसका नाम रख दिया एनोड। क्या नाम रख दिया? तो उसने क्या किया जी, एक शीशे की ग्लास ट्यूब ली, उसके साथ दो मेटैलिक मेटल के बने हुए दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको एनोड का नाम दिया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैथोड का नाम दिया गया। दोनों को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया और इसके अंदर उसने कोई गैस ली, कोई गैस भी ले सकते हैं इसमें, और उसका उसने प्रेशर बहुत कम रखा, 10^-4 एटमोसफियर। एटीएम जो है, एटमोसफियर जो है, ये प्रेशर का यूनिट है, यानी इतना प्रेशर कम रखा कि 10^-4। फिर उसने क्या किया जी, यानी शीशे की ट्यूब ली, वैक्यूम पंप के जरिए उसमें से जो प्रेशर है वो कम कर लिया, फिर जो भी गैस फिल की उसका प्रेशर कितना रखा? 10^-4। और जब इन दो टर्मिनल्स को, जैसे हमारे घरों में यूपीएस की बैटरी होती है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव लिखा होता है साइन, एक नेगेटिव लिखा होता है, वो इसी तरह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो इसने जो नेगेटिव सिरा है उसको नेगेटिव से जो जोड़ा उसका नाम कैथोड रख दिया, जिसको पॉजिटिव बैटरी के साथ जोड़ा वो एनोड कहला। जब इनको कनेक्ट किया गया तो कनेक्ट होने के दौरान यहाँ से कुछ शाइनी रेज पैदा हुई और वो इस तरह जो है स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड की तरफ चल पड़ी। क्या किया जी, जब हाई वोल्टेज यानी उस बैटरी की तारों को इस टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, क्या पैदा हुआ जी? यहाँ पर शाइनी रेज पैदा हुई, चमकदार रोशनी की शुआएं पैदा हुई जो कि इस कैथोड से किस तरफ चल पड़ी? एनोड की तरफ।
यानी उनकी डायरेक्शन इस तरह थी कि ये एनोड की तरफ आ रही थी, वहाँ से चल के इस तरफ आ रही थी, ये एरो साइन ये शो कर रहा है, इनकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये चमकदार किस्म की शुआएं थी। इन ये जो कैथोड से एनोड की तरफ चल पड़ी, जाहिर है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं था, पॉजिटिव की तरफ गई हैं तो इसका मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इन रेज को सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज का नाम दिया। किसका नाम दिया? कैथोड रेज का नाम दिया। क्यों कैथोड रेज का नाम क्यों दिया, ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वाई दे आर कॉल्ड द कैथोड रेज, तो वो इसलिए कि दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, क्योंकि ये रेज कहाँ से पैदा हुई थी, कैथोड से, नेगेटिव टर्मिनल से पैदा हुई थी, इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम देते। तो ये सर विलियम क्रुक्स का एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। अगर एग्जाम में एक्सपेरिमेंट पूछता है कि राइट द एक्सपेरिमेंट इन डिटेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप वो पूरा ये डायग्राम बनाएंगे और इस तरह इसकी ये डिटेल लिखेंगे सर विलियम क्रुक के बारे में। हीटो का ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड एंड कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, द प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁴ एटमॉस्फियर, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी द शाइनी रेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड, दीज रेज वर नेम एज अ कैथोड रेज बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। तो ये आप इसका एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नंबर वन, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सर विलियम क्रुक्स ने कहा कि ये जो रेज यहाँ से कैथोड से पैदा हुई थी, ये एक सीधी लाइन में मूव करती हैं, ये नहीं है कभी यूँ चल पड़ी कभी यूँ यूँ, इस तरह नहीं, बल्कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती हैं। और कैसे मूव करती हैं, परपेंडिकुलर टू कैथोड। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, ये ब्लैक मार्कर के ऊपर अगर मैं रेड को इस तरह रख दूँ, अब ये परपेंडिकुलर है, यानी इनके दरमियान में ये वाला जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। अब इसी को अगर मैं यूँ कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये अगर रेड मार्कर जो है ये कैथोड रेज है और ये कैथोड है, तो हम कह सकते हैं कि दीज रेज आर परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये ब्लैक मार्कर को मैं कैथोड सरफेस कहता हूँ ये वाला, और रेड को ये रेज कह दूँ अगर, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो हम इसको कहेंगे दे आर परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। तो उसने बताया कि ये जो रेज हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, दूसरा परपेंडिकुलर, यानी अगर ये कैथोड है तो उसके यूँ चलती हैं, यानी दरमियान में एंगल जो है 90 का बनता है। दूसरे नंबर पे बताया कास्टिंग शेडो, कि ये जो रेज हैं, अगर इनके दरमियान में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, कोई ऐसा जो है कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसमें से रोशनी पास ना हो, तो ये उसका शेडो बना देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा हैंड है, ये देखें, अब इधर से कोई रोशनी आ रही है, तो रोशनी, अगर ये मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट होता शीशे की, तो रोशनी इसमें से पास हो जाती, लेकिन इसका साया बन रहा है, जिसका साया बन रहा है इसका मतलब है कि उसमें से रोशनी पास नहीं हो सकती। तो इसमें से जब इनके दरमियान में कोई चीज़ रखी गई, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इन्होंने क्या किया जी, उसका कोई साया बना दिया। उसका क्या बना दिया, साया बना दिया। इसका मतलब है कि ये शेडो प्रोड्यूस करती है, दे कास्टिंग शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस इन देयर वे, अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए वो उसका साया प्रोड्यूस कर देती, जिससे पता चला कि ये कोई मटीरियल लाइक पार्टिकल्स हैं। तीसरे नंबर पे है जी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज अप्लाई किया गया। तो ये जो रेज थी ये किसकी तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ इस तरह जो है स्ट्रेट आ रही है, ये सीधा स्ट्रेट आ रहा था, आते आते यूँ मुड़ गया, ये सीधा आ रहा था यूँ मुड़ गया, ये इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया जी, डिफ्लेक्ट। कहता है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पैदा होगी, डिफ्लेक्ट हो गया, जिससे ये पता चला ये जो रेज थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये किस तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव की तरफ, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये पता चला कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। चौथे नंबर पे जी राइज इन टेम्परेचर। उन्होंने बताया कि ये रेज जिस चीज़ के ऊपर भी पड़ती हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। जैसे कभी हम बल्ब के करीब हाथ लेके जाएं तो हमारा हाथ थोड़ी सी तपश महसूस करता है, गर्मी महसूस करता है, तो उसने कहा ये रेज जो हैं जिस चीज़ के ऊपर भी फाल होती हैं, जिसके ऊपर भी पड़ती हैं, क्या कर देती है, उसका टेम्परेचर राइज कर देती है, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी है। पाँचवें नंबर पर जे थॉमसन, जिन्होंने जिसकी जो थॉम इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी भी इन्हीं के नाम से,
एग्जाम में क्वेश्चन आया, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नेम जे जे थॉमसन। सर विलियम क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ बताया था ये पार्टिकल ऐसे हैं, कैथोड रेज बताई थी, लेकिन ये उनको नाम नहीं दे सके। बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो थ्योरीज पेश की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फाइनल जो इसके ऊपर रिसर्च हुई वो जे जे थॉमसन के नाम से इसको मनसूब किया गया कि जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। तो थॉमसन ने आके ये जो कैथोड रेज पैदा हुई थी, इनका चार्ज और मास, इनके ऊपर कितना चार्ज है कूलम्स में और इसकी मैस कितना है इन पार्टिकल का, जैसे प्रोटॉन का मैस होता है, न्यूट्रॉन का मैस, इसने उसने इलेक्ट्रॉन का मैस और फिर उसकी रेशियो फाइंड आउट की, चार्ज टू मास रेशियो किसने फाइंड आउट की, जे जे थॉमसन ने, किन की, इन कैथोड रेज की। छठे नंबर पर जी प्रोडक्शन ऑफ लाइट, उसने ये भी बताया कि जब ये रेज जो हैं इस ये जो इसकी कैथो जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी वाल्व के साथ जब टकराती हैं तो शाइनी रेज पैदा होती हैं, उस वक्त लाइट पैदा होती है। वैसे तो रेज हैं लेकिन जब ये उस डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ जाकर टकराती हैं तो वहाँ से चमक पैदा होती है। क्या पैदा होती है, चमक पैदा होती है, लाइट पैदा होती है, यानी कहता है प्रोडक्शन ऑफ लाइट। लास्ट में है जी सेवन्थ जो प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्कस की, उन्होंने कहा जी ये जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप गैस लेते हैं, इस कैथोड की जो नेचर है वो किसी गैस पे डिपेंड नहीं करती। आप जौन सी मर्जी गैस ले लें, ये नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए और तरह की कैथोड रेज पैदा होंगी, अगर आपने नाइट्रोजन गैस ले ली तो और तरह की उसके अंदर जो है रेज पैदा होंगी, ऐसा नहीं। आप जिस किस्म की मर्जी आप गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस्तेमाल कर लें वो नेचर ऑफ कैथोड रेज चेंज नहीं होगी। तो ये सात प्रॉपर्टीज़ थी, एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इस बारे में, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो ये कम से कम आपने 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये 7 दिए गए हैं आपकी बुक में। क्लियर, दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि ये क्या करती हैं जी, नंबर 1 ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, दूसरे नंबर पे अगर इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शेडो बना देती, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब गुजारा गया तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई जिससे पता चला इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, जिसके ऊपर राइज इन टेम्परेचर, जिस चीज़ के ऊपर ये फॉल होती है उसका टेम्परेचर क्या कर देती हैं, हाई। इसी तरह जे जे थॉमसन ने इनका क्या फाइंड आउट किया, चार्ज टू मास रेशो, और प्रोडक्शन ऑफ लाइट जब ये रेज जो हैं उस जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी वाल्व के साथ टकराती है तो चमक पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती हैं। सेवन्थ है कि जौन सी मर्जी गैस आप इस्तेमाल कर लें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसकी जो कैथोड की जो नेचर है कैथोड रेज की वो चेंज नहीं होती, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूजिंग द गैस जी। नेक्स्ट है जी कंक्लूजन, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा सर विलियम क्रुक्स का डिस्कवरी ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज के बारे में, उस सारे जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा फिर उसकी 7 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, उन प्रॉपर्टीज़ हमें कंक्लूजन क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला। बाज़ एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, तो हमने उसमें देखा ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, वो जो हमने 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस की सजेस्टेड दैट, उससे ये पता चलता है कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज, वो जो कैथोड रेज थी उनकी नेचर जो है वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, यानी उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जौन सी मर्जी गैस इस्तेमाल करें उसका उस कैथोड रेज की नेचर पर कोई असर नहीं होगा, वो नेगेटिव ही रहेंगी, वो जो है कैथोड रेज ही रहेंगी, आप जौन सी मर्जी चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो मर्जी गैस इस्तेमाल करो। नंबर 2 द फैक्ट दैट दे कास्ट शेडो, हाँ जी वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट का उन्होंने शेडो बनाया था उससे पता चला सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज, ये रेज नहीं है, ये जो उनके दरमियान में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा उसने उसका शेडो बना दिया, कहते इससे पता चलता है कि ये रेज नहीं है, रेज का शेडो नहीं बनता। फिर क्या है जी, बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल, बल्कि ये क्या है, ये तेज़ी से चलने वाले कोई मूविंग पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग क्या है, कोई पार्टिकल है, कोई ज़रात हैं, ये बेसिकली थे तो वो इलेक्ट्रॉन, दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया वो इनको जो है एक कैथोड रेज का इनाम दे के गए, बाद में जे जे थॉमसन और दीगर साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि भाई ये कोई रेज नहीं है बल्कि ये क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, और फिर बाद में पता चला क्योंकि एटम जो है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हमने पढ़े तो पता चला कि ये वाले कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कौन सा नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। तीसरे नंबर पे सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, तकरीबन तमाम जो मटेरियल है एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इसका मतलब हुआ इट मींस ऑल द मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे ये मेरे पास मार्कर है, डस्टर है, ये जो हमारे पास बोर्ड है, ये भी आखिर मटीरियल है, मटीरियल जो एटम से मिलकर बना है तो एटम के अंदर क्या लाजमी होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। तो इसके अंदर सिंस ऑल द मटीरियल्स प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट मींस ऑल मटीरियल्स, हर मटीरियल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
लास्ट में पूरा कन्विजन निकला जी, एज वी नो दैट मटेरियल आर कम्पोज ऑफ एटम। मटेरियल किससे बने होते हैं? एटम से। मार्कर एटम से बना हुआ, बोर्ड एटम से बना हुआ, बिजली की तार एटम से बनी हुई है, तो हर चीज़ जो एटम से मिलकर बननी है। हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, और एटम जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन तो फिर लाजमी पाया जाएगा। जब हर मटेरियल एटम का बना हुआ है तो एटम के जब हम देखते हैं तो एटम के पार्टिकल कौन से हैं जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहता है जी इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता, कोई एटम इलेक्ट्रॉन के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो बाद का ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एटम के?